फिरोजाबाद के मोहल्ला कौशल्या नगर वाल्मीकि समाज सुधार समिति के द्वारा रामायण रचयिता के महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती मनाई गई, साथ ही विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय कुमार चौहान ने की और समस्त वाल्मीकि समाज बंधुओं का सहयोग रहा। फिरोजाबाद से सोनू कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम विनय कुमार चौहान जी। किस तरीके का प्रोग्राम रखा गया और कहाँ पर रखा गया है? ऐसा है, कौशल्या नगर वाल्मीकि बस्ती सुधार समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष समाज ने मोहल्ला के द्वारा मुझे चुना गया, मंत्री महामंत्री राहुल परमार जी को चुना गया, और जो अभी जो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारी कोरोना काल में चल रही हैं, उनको देखते हुए और थोड़ा सा विचार को देखते हुए, सभी के विचारों को देखते हुए, जो प्रकाश जो वाल्मीकि भवन का जो प्रकाश है वो अपने अपने मोहल्लों में ही बनाया गया है सभी जगह। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कौशल्या नगर में एक सुधार समिति, वाल्मीकि सुधार समिति का गठन हो चुका है, जिसका मुझे अध्यक्ष राहुल परमार जी को महामंत्री बनाया गया है। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी आने वाले समय में प्रोग्राम चलेंगे वो अब लगातार कौशल्या नगर वाल्मीकि बस्ती में धार्मिक प्रोग्राम होते रहेंगे। लगभग कितने लोगों की कमेटी गठित की गई है? लगभग होंगे करीब करीब 21-22 लोग होंगे करीब कमेटी में इस टाइम, और इसके बाद में कमेटी का विस्तार होगा अभी तो बैठ करके, और कमेटी का विस्तार करने के बाद में जो समाज कहेगी, मोहल्ला कहेगा, और उस चीज़ पर विचार करा जाएगा, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो मार्गदर्शक हमें दिखाएंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया जाएगा, काम किया जाएगा मोहल्ले की समस्याओं को। किस तरीके से आपकी समिति कार्य करेगी? हमारी समिति एक मोहल्ला और एक समाज के लिए दिन और रात 24 घंटे तत्पर तैयार है, और समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के वाल्मीकि समाजों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कौशल्या नगर वाल्मीकि बस्ती फिरोजाबाद से एक जो संदेश देना चाहता हूँ, प्रथम बार वाल्मीकि प्रकोत्सव का महोत्सव का प्रकोत्सव किया गया है, इसके हम सभी वाल्मीकि बंधुओं के साथ हैं, SC समाज के साथ हैं, और SC समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का काम करेंगे।